जैसा कि आप सबको पता है कि कल शाम को मैंने ट्विटर के माध्यम से ये बताया था कि आज सुबह 10 बजे मैं ईडी पर एक बहुत बड़ा एक्सपोजे करने वाली हूँ। इस एक्सपोजे को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी को डराने के लिए, आम आदमी पार्टी को चुप कराने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई है। हमारे सांसद और आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर एनडी गुप्ता जी के घर पे रेड हो रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनके पीए के घर पे रेड हो रही है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पीए के घर पे रेड हो रही है। और अभी खबरें आ रही हैं कि शायद आज दिन भर में आम आदमी पार्टी के कई और नेताओं के घर पर ईडी रेड करने वाली है। ये क्या प्रयास है ईडी का? ये क्या प्रयास है भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार का कि वो अपनी एजेंसीज के माध्यम से आम आदमी पार्टी को डराने की कोशिश कर रही है, धमकाने की कोशिश कर रही है और हमारी बात को दबाने की कोशिश कर रही है? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को और उनकी एजेंसियों को जो ईडी और सीबीआई हैं, ये बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं है। पिछले 2 साल से इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। इस तथाकथित शराब घोटाले के नाम पर कभी किसी के घर छापा पड़ता है, कभी किसी और के घर छापा पड़ता है, कभी किसी को समन आता है, कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इस 2 साल के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ईडी को कुछ नहीं मिला है। किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले रिकवरी ऑफ मनी, जिसकी लॉन्डरिंग हुई है, ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट के तहत केस करता है, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है कि ईडी को रिकवरी ऑफ मनी करनी पड़ेगी। लेकिन 2 साल में सैकड़ों रेड के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ईडी नहीं कर पाई है। किसी भी केस में दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है सबूत, लेकिन 2 साल के बाद भी कोई भी पुख्ता सबूत ईडी को नहीं मिला है और ये कोर्ट ने भी बार बार पूछा है कि सबूत सामने रखिए। किसी भी केस में तीसरी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं स्टेटमेंट्स, यानी कि गवाही। ईडी का जो सारा केस है वो सिर्फ और सिर्फ गवाही पर, और कई गवाहों को, कई अक्यूज्ड को सरकारी गवाह बनाकर और उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं उसके आधार पर बना हुआ है। और आज जो मैं खुलासा करने जा रही हूं वो आपको ये दिखा देगा कि ये सारी स्टेटमेंट्स फर्जी हैं, कि ईडी ने सारी स्टेटमेंट्स में फर्जीवाड़ा किया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि जब कई ऐसी स्टेटमेंट्स किसी अक्यूज से, किसी सरकारी गवाह से, किसी विटनेस से ली गई, उसके बाद कई विटनेस सामने आए और उन्होंने ये कहा कि उनसे स्टेटमेंट दबाव पूर्वक डलवाया गया, लिखवाया गया। एक विटनेस ने कहा कि उन्होंने, ईडी वालों ने इतनी जोर की थप्पड़ मारा कान पे कि कान की पट्टी फट गई, इस वजह से इस दबाव में उन्होंने स्टेटमेंट दिया। एक विटनेस ने कहा कि उनको ये कहा गया कि अगर आप नेताओं के खिलाफ बयान नहीं दिया तो हम देखेंगे कि तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाती है। एक और विटनेस को डराया गया, उसको कहा कि तेरी बीवी को अरेस्ट कर लेंगे, तेरी बीवी को जेल के अंदर डाल लेंगे अगर तुमने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिया।
तो बार 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 अलग अलग लोगों को डरा के धमका के गलत स्टेटमेंट साइन कराए गए। अब कैसे पता चलेगा कि जो स्टेटमेंट ईडी ने कोर्ट में सबमिट करी है क्या वो सही थी स्टेटमेंट, क्या गवाह ने कुछ और कहा था, क्या वो डरा धमका के ली गई है। इस देश में पुलिस के द्वारा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के द्वारा इस प्रकार का डराना धमकाना रोकने के लिए 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था। ये एक बहुत फेमस ऑर्डर है, परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह एंड अदर्स, 2020 का सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है। और इस ऑर्डर के तहत किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अपनी इंटेरोगेशन सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में करनी होती है। इस जजमेंट के तहत यह बहुत स्पष्ट तौर से लिखा है कि यह जजमेंट ईडी पर भी लागू होता है। ना सिर्फ इतना, इस ऑर्डर में यह भी साफ तौर पर लिखा है कि सीसीटीवी कैमरा की फुटेज सिर्फ वीडियो फुटेज नहीं हो सकती है। इसमें लिखा है सीसीटीवी कैमरास दैट हैव टू बी इंस्टॉल्ड मस्ट नेसेसरली कंसिस्ट ऑफ ऑडियो एज वेल एज वीडियो फुटेज। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। क्यों? क्योंकि अगर ऑडियो और वीडियो फुटेज नहीं होगी तो ये सबूत नहीं बचेगा कि क्या किसी विटनेस को डराया गया, क्या किसी विटनेस को धमकाया गया। जो विटनेस ने बोला और जो कागज में लिखा गया क्या वो एक ही चीज है या वो अलग अलग चीज है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। इसी आदेश को रीआइटरेट किया सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में एक्साइज पॉलिसी मैटर में ही जस्टिस एम के नागपाल ने, और ये किया उन्होंने 19 जुलाई को जब एक अक्यूज्ड ने ईडी की सीसीटीवी की फुटेज मांगी। तो इसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए एम के नागपाल जी ने कहा कि यह हर विटनेस का, हर अक्यूज्ड का अधिकार है कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिले विद ऑडियो एंड विद वीडियो। अब आप सुनिए, अब मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताने वाली हूं जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब एक अक्यूज्ड ने कुछ दिन पहले कोर्ट में एप्लीकेशन डाली और कहा कि मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए, तो क्या हुआ? उन्होंने एप्लीकेशन क्यों डाली? क्योंकि उनका, जो ये अक्यूज्ड थे, एक सरकारी गवाह से ईडी में आमना सामना करवाया गया। उस आमने सामने में सवाल जवाब हुए, स्टेटमेंट्स दी गई अक्यूज्ड द्वारा दी गई, सरकारी गवाह द्वारा दी गई। इस पूरी प्रक्रिया में उस कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। यह पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हुई। लेकिन जब वो स्टेटमेंट कोर्ट में जमा कराई गई तो अक्यूज्ड ने देखा कि जो बात कमरे के अंदर हुई थी और जो बात कागज पर आई है वो दोनों अलग अलग हैं। और इसीलिए इस केस के उस अक्यूज्ड ने सीसीटीवी फुटेज के लिए एप्लीकेशन डाली। और आपको पता है, जब ईडी ने वो फुटेज दी तो उन्होंने उस फुटेज का ऑडियो डिलीट कर दिया। सिर्फ वीडियो फुटेज दी गई, ऑडियो फुटेज डिलीट कर दी गई और सारा एविडेंस कि वास्तविक तौर पे उस कमरे में क्या बात हुई थी, उस सारे एविडेंस को ईडी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। और ना सिर्फ उस एक मैटर में, आम आदमी पार्टी के पास विश्वसनीय सूत्रों से ये खबर है कि जब से ये एक्साइज पॉलिसी का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, पिछले 1.5 साल की सारी इंटेरोगेशन, सारे सवाल जवाब जो हुए हैं ईडी में,
सबकी ऑडियो फुटेज को डिलीट कर दिया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा, ईडी द्वारा। ये क्या दिखाता है कि जो एक तो रिकवरी नहीं हुई, सबूत नहीं मिला, और जो स्टेटमेंट्स थी, जो एकमात्र आधार थी ईडी के केस का, वो सारी स्टेटमेंट्स भी फर्जी हैं। क्योंकि अगर स्टेटमेंट फर्जी नहीं होती तो आपको ऑडियो डिलीट करने की क्या जरूरत थी। तो आज देश के सामने ये बात आ गई है कि यहां पे घोटाले की जांच नहीं हो रही है, ईडी की इस जांच में ही घोटाला है। आज मेरा पहला सवाल ईडी से कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट ईडी किसको बचाना चाहती है, ईडी क्या छुपाना चाहती है जिसकी वजह से उन्होंने पिछले 1.5 साल की सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी है। मेरा ईडी से दूसरा सवाल कि आप देश के सामने, आप कोर्ट के सामने पूरी डिटेल्स रखिए कि पिछले 1.5 साल में आपने जितनी इंटरोगेशन करी है, जितने सवाल जवाब करे हैं, उनमें से कितनी इंटरोगेशन और सवाल जवाब के ऑडियो आपके पास आज मौजूद हैं। अगर ईडी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कोर्ट के सामने, देश के सामने नहीं रख पाती है तो इस इन्वेस्टिगेशन का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया कि ना पैसे की रिकवरी, ना सबूत, और ना ही स्टेटमेंट्स का कोई भी सबूत के वास्तविक तौर पे विटनेसेस ने क्या कहा है। तो ईडी को चैलेंज कर रही हूं, और इसी चैलेंज को हमने कोर्ट में भी रखा है सामने। हमने कल सीबीआई की और ईडी के स्पेशल कोर्ट में राउज एवेन्यू में एप्लीकेशन फाइल करी है, और हमने सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की डिमांड करी है। और मैं ईडी को चैलेंज कर रही हूं कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स देश के सामने रखें। थैंक यू। मैम, तो आप ये कहना चाहते हैं कि कल आपने इसकी शिकायत की कोर्ट के सामने, इसकी बात रखी है, तो यही वजह है कि आज छापे हुए हैं? ये बिल्कुल साफ है कि आज ईडी का ये खुलासा होने वाला था, कल शाम से ही ईडी वाले डरे हुए थे। वो अलग अलग जगह फोन करके पूछ रहे थे कि किस चीज पर खुलासा है, किस चीज पर खुलासा है। और आज इस खुलासे को रोकने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं के घर पे, उनसे जुड़े हुए लोगों के घर पे छापे शुरू हो गए। ये आम आदमी पार्टी को डराने का प्रयास है। वरना आप ये तो छोड़िए कि आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर के घर पे रेड हो रही है, उनके पीए के घर पे रेड हो रही है, मुख्यमंत्री के पीए के घर पे रेड हो रही है। तो ये बिल्कुल साफ है कि एजेंसीज को सिर्फ डराने और धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने इसे नाम बता सकते हैं कि किसने ये ऑडियो और वो मांगी थी और फिर ऑडियो नहीं मिली है, क्योंकि अभी एक वीडियो आया था जिसमें संजय सिंह ये कहते हुए दिख रहे थे। ये एक केस में अक्यूज्ड है, वो डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जिन्होंने एप्लीकेशन डाली थी, जब उनको पता चला कि आमने सामने का जो स्टेटमेंट है वो एक्चुअली वहां की बातचीत से अलग था, कल जो एप्लीकेशन डाली है वो हमारी पार्टी के जो अक्यूज्ड हैं इस केस में उनकी तरफ से डली है, और उसमें हमने ईडी से सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मांगी है। और अगर ईडी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं दे पाती है तो फिर इस सारे केस के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ना रिकवरी, ना सबूत, और ना ही स्टेटमेंट्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग ईडी के पास है। एक केस में ये साबित हो गया है कि ऑडियो डिलीट हो गया है, और हमें विश्वसनीय सूत्रों से ये पता है कि सारे इंटेरोगेशंस का ऑडियो डिलीट कर दिया गया है ईडी के द्वारा। लेकिन अभी बिल्कुल सच सामने आ जाएगा,
जो हमने एप्लीकेशन फाइल करी है उसमें देखते हैं, अगर ईडी ऑडियो नहीं दे पाती है तो ये बिल्कुल साफ है कि स्टेटमेंट्स का भी उनके पास कोई आधार नहीं। थैंक यू। Z News.